आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उस दिन की है जब मैं ऐसे ही रोज मामूली दिन की तरह अपना शिफ्ट खत्म करके कारखाने से निकल रहा था। हालांकि हर रोज अपना कार्य खत्म करने में मुझे काफी समय लग जाता था, पर आज के दिन यह काम जल्दी खत्म हो गया था। अगले ही दिन हमें हमारी तनख्वाह मिलने वाली थी, शायद इसीलिए आज मैंने उसकी खुशी के मारे मैंने जल्दी काम खत्म कर दिया था। मेरा काम खत्म होने के बाद मैंने अपने दोस्तों के काम में भी सहायता की। इसकी वजह से जो हमारा काम 8 बजे खत्म होने वाला था वो 6 बजे ही खत्म हो गया था। अब हमने अपना पूरा कार्य खत्म कर लिया था। हमने ऑफिस के वॉचमैन से परमिशन लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़े। रोजाना बस 8 बजे आती थी और आज भी बस उसी समय पर आने वाली थी, पर जैसे हमने जल्दी काम खत्म कर लिया था इसलिए हम लोग कोई और विकल्प ढूंढ रहे थे घर तक जाने के लिए। हमें कुछ सोच नहीं रहा था इसलिए हम बगल के एक चाय के स्टॉल पर चले गए। जैसे हम चाय के स्टॉल पर पहुंचे तो उस गुमसुम सी शांत स्टॉल पर रौनक सी भर गई। हम सब दोस्त खुशी में बहुत जोरों शोरों से बातें कर रहे थे क्योंकि अगले दिन शायद हमें पता था कि सबको थोड़ा बोनस भी मिलने वाला है और हम वैसे भी पूरे महीने हमेशा एक्स्ट्रा काम ही करते आ रहे थे। हमने इन पैसों का एक पार्टी रखने की भी सोची। चाय वाले को हमने चाय भेजने को कहा, तभी मेरे दोस्त ने कहा, ये तो ठीक है पर घर जाने के लिए किसी गाड़ी को ढूंढो यार। तभी बगल में एक टेम्पो वाला आकर रुका, वह भी चाय पीने के लिए बैठा। टेम्पो वाला हमारे घर की तरफ जाने की बात कर रहा था। हमने सोचा कि हमें एक बार पूछ लेना चाहिए, शायद हमें घर तक पहुंचा देगा। हमने उससे पूछा। पहले तो उसने कहा कि मेरे टेम्पो में जगह नहीं है, पर फिर जब हमने उसे थोड़े और पैसे देने की बात की तब वो हमें ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके 5 मिनट बाद हम टेम्पो में बैठ गए और अपने घर की तरफ निकल पड़े। टेम्पो वाला बहुत ही शांत बैठा हुआ था, जैसे किसी चीज का पश्चाताप कर रहा हो। टेम्पो वाला जैसा चाय के स्टॉल पर था और जैसा वो अब था, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। फिर हमने उस टेम्पो वाले को थोड़ा तेज चलने के लिए कहा। उसने फिर मानो अपनी सबसे तेज रफ्तार पकड़ ली हो, बहुत तेजी से फिर वो गाड़ी चलाने लग गया। जब तक हम लोग उसे गाड़ी की रफ्तार कम करने के लिए बोलते तब तक उसने गाड़ी को रोक दिया। उसने कहा, आप लोग इधर ही रुको, मैं वहां से कुछ अपने डिब्बे लेकर आता हूँ। उसने सामने की तरफ एक बड़े कारखाने में इशारा किया। वो कारखाना काफी बड़ा था और वह दिखने में काफी पुराना भी लग रहा था, वो कोई गोदाम जैसा कई साल पुराना हो। वह टेम्पो वाला चला गया और आधा घंटा बीत गया, फिर अब 1 घंटा और फिर 1.5 घंटे बीत चुके थे। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने हमारे घर जाने वाला सबसे लंबा रास्ता छोड़ दिया था और ऊपर से वह वापस भी नहीं आ रहा था। हमने अपने घर का अभी तक आधा रास्ता भी पार नहीं किया था। हमने उस कारखाने में जाकर उसकी तलाशी करने की सोची। हम पूरे 6 दोस्त थे, हम मिलकर उस कारखाने की तरफ बढ़े। वो कारखाना दूर से बहुत पुराना और खराब दिख रहा था, पर उसके पास जाते ही हमें उसकी सुंदरता का एहसास हुआ। हमें इसका कारण समझ में नहीं आया, वो कारखाना बहुत ही मोहक था। हम उस कारखाने के अंदर गए, फिर हमने उसका दरवाजा खोला तो वो दरवाजा कराहते हुए खुला, जैसे कि कई सालों से वो बंद पड़ा हो। पर देखकर नहीं लग रहा था कि ये कारखाना बंद पड़ा था। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, शायद हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हमने उससे कहा, अरे कुछ नहीं होगा यार, बस उसे ढूंढ कर आ जाएंगे। फिर हम कारखाने के अंदर चले गए। कारखाना बाहर से दिखने में जितना बड़ा लग रहा था, अंदर से मानो उसका आकार उससे दुगना था। वो कारखाना सूत के धागे का था। घर के ऊपर की तरफ 2 कंपार्टमेंट जाते थे। तभी मैंने अपने दोस्त को कहा, यार हम 6 जने हैं, 3-3 के 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और ग्रुप नंबर 1 पहले कंपार्टमेंट में जाएगा और दूसरा ग्रुप दूसरे कंपार्टमेंट में। तभी मेरे दोस्त ने कहा, वो देखो वहाँ पर वो बेसमेंट है। वहाँ पर एक बेसमेंट भी थी और जमीन के अंदर की तरफ वो जा रही थी। हालांकि हम लोग बेसमेंट के अंदर नहीं गए, पर उसकी चौड़ाई ये साबित कर रही थी कि बेसमेंट भी काफ़ी बड़ा है। ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी सारे सूत के कपड़े बनाने वाली मशीनें थी।
तभी हमने सोचा पहले हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं और फिर आकर बेसमेंट में देख लेंगे। मैं मेरे दोस्तों के साथ पहले कंपार्टमेंट में गया और मेरे बाकी के तीन दोस्त दूसरे कंपार्टमेंट में गए। मैं जब पहले कंपार्टमेंट में गया वह सच में काफ़ी बड़ा था और उधर अंधेरे ने जैसे मानो कंपार्टमेंट को पूरी तरह से घेर लिया था। कंपार्टमेंट ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय से किसी वर्कर ने यहाँ पर काम ही नहीं किया हो, और उस कंपार्टमेंट में काफ़ी अलग अलग कमरे भी थे। मैंने एक कमरे से आवाज़ आती हुई सुनी, मुझे लगा कि हो ना हो वह टेम्पो वाला यहीं पर होगा। फिर मैं कंपार्टमेंट के उस कमरे में गया पर अंदर कोई नहीं था। मैं देखकर हल्का सा डर गया कि फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मेरे दोस्त तब तक वहाँ की रखी हुई मशीनों से छेड़खानी करने लगे और वहीं पर एक मशीन चालू भी हो गई। वो मशीन इंसान के द्वारा ही चलाया जा सकता था पर वो मशीन अपने आप ही चल रही थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि तभी हमारे दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर जब हम दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर कोई है ही नहीं। दूसरा कंपार्टमेंट पूरी तरह से खाली था। तभी मुझे हल्की सी किसी की आवाज़ आई, जैसे कोई किसी चीज़ में कैद हो गया हो। तभी मेरा ध्यान कपड़े पर रखे कुछ गठरी के ऊपर गया। उसमें से तीन गठरियाँ अलग ही लग रही थी, वह अपने आकार से काफ़ी लंबी थी। फिर मैंने जैसे उन कपड़ों की गठरियों की रस्सी नीचे खींची तो मुझे मेरे दोस्त की आंखें दिखाई दी। वह काफ़ी डरा हुआ था। मैंने जल्दी से वह रस्सियाँ तोड़ी और मेरे दोस्त को वहाँ से बाहर निकाला। वो तीनों डर से कांप रहे थे। तभी मैंने पूछा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तभी उन तीनों ने कहा, इधर से जल्दी निकलते हैं, यहाँ पर किसी पिशाच का साया है। हम जैसे इस कंपार्टमेंट के अंदर आए तो सामने वाली मशीन अपने आप ही चलने लग गई। जैसे हम उसके करीब गए तो वैसे ही पीछे से तेज हवा का झोंका आया जिसके बल का हम विरोध नहीं कर पाए, और अचानक से इन बड़े बड़े कपड़ों ने हमें अपने अंदर लपेट लिया। फिर हम इन चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हमने फिर सोचा कि हमें इस घर से भाग जाना चाहिए। हम नीचे गए पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो दरवाज़ा दिखने में तो पुराना लग रहा था पर वह काफ़ी मजबूत था, हम उसे खोल ही नहीं पा रहे थे। तभी हमें बेसमेंट से किसी के कुछ बोलने की आवाज़ आई। हम बेसमेंट की तरफ बढ़े और बेसमेंट में हमने देखा कि एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। वो तस्वीर टेम्पो ड्राइवर की थी। तस्वीर में टेम्पो ड्राइवर बड़ा व्यापारी मालूम पड़ रहा था। तस्वीर के सामने एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। हम उस आईने की तरफ देखते ही बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उस तस्वीर पर उस व्यक्ति की मृत्यु भी लिखी हुई थी और उसके हिसाब से यह व्यक्ति 15 साल पहले ही मर चुका था। इतना देखते ही हम उस बेसमेंट से बाहर निकलने लगे। तभी मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, वह तस्वीर के सामने वाले आईने को बस घूरे ही जा रहा था, जैसे उसे किसी चीज का सदमा सा लग गया हो। जब मैंने आईने में देखा तो उससे खौफनाक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर में उस व्यक्ति की आंखें खुली हुई थी पर आईने में उसकी आंख पूरी बंद दिख रही थी। फिर जब मैंने तस्वीर की तरफ मुड़कर देखा तो अभी उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, और फिर जैसे ही मैंने आईने की तरफ देखा तो अब उसकी आंखें ही नहीं थी। फिर वह तस्वीर के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। ये सब देखते ही मेरा मानो दिल दहल गया। हम सब दोस्त वहां से चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागे। हम लोग बड़े दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। वो दरवाजा तब भी नहीं खुल रहा था। फिर अचानक से वो दरवाजा खुला और हम देखते हैं कि दरवाजे के सामने वही व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहते ही वो शैतानी हंसी देने लगा। हम सब दोस्त उसी व्यक्ति के सामने से भागते हुए जंगल की तरफ चल दिए। वो व्यक्ति हमें ही देखे जा रहा था। यह हमारी गलती थी कि हमने ये बात एक बार भी नहीं सोची कि कोई आदमी ऐसे जंगल में कारखाना क्यों बनाएगा। जंगल में हम 6 दोस्त बिखर गए। मैंने कैसे भी करके अपने 4 दोस्तों को तो ढूंढ लिया पर मुझे मेरे 2 दोस्त नहीं मिले। मुझे लगा कि वह लोग वहीं कारखाने में होंगे, वो पिशाच शायद उन्हें वहां पर लेकर गया होगा। मुझे ना चाहते हुए भी उस कारखाने में जाना पड़ा। कारखाने में जाते ही मैंने देखा कि कारखाना पूरी तरह से अब चल रहा है। वहां की हर एक वस्तु चल रही है। वहां की हर एक मशीनें बिना किसी वर्कर के अपने आप ही काम कर रही हैं। ये सब देखने में काफ़ी भयानक था। तभी मैंने अपने 2 दोस्तों को देखा।
जो कारखाने के ऊपर लटके हुए थे, उन्हें किसी ने छत से सूत के धागे से लटकाकर फांसी लगा दी थी। उनकी लाश वहां पे लटक रही थी। ये सब इतना भयानक था कि तभी वह पिशाच लटकती हुई उन लाशों के पीछे से आया। उसने लाश के सीने में अपना नुकीला पंजा गड़ाया और किसी रुई की तरह उसका सीना फाड़ दिया। उस लाश से बहुत खून निकलने लगा जो वो पिशाच पकड़ पकड़ के पी रहा था। तभी वो पिशाच हमारी तरफ मुड़ गया। हम उसे देखते ही दरवाजे की तरफ भागे। वो दरवाजा अपने आप ही बंद होने लगा। इससे पहले कि वो दरवाजा पूरी तरह से बंद होता कि हम लोग वहां से बाहर निकल आए, पर हमारा एक दोस्त वहीं अंदर ही रह गया। मुझे उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत ही भयानक और दर्दनाक थी। फिर अंत में हमको एक भयानक आखिरी चीख सुनाई दी। उसके बाद वहां से कोई आवाज ही नहीं आई। हम वहां से भागते हुए निकल गए और बाहर निकलते ही हमें कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स दिखे। उनमें से एक ने हमें कहा, यहाँ पर आना मना है, तुम्हें पता नहीं है। मगर उन्होंने हमारा घबराया चेहरा देखकर तुरंत ही अपनी जीप में बिठाया और कहा, पहले तुम्हें यह इलाका पार करना होगा। उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हमें एक स्थानीय जगह पर उतारा। अभी हम उस जीप से उतरे ही थे कि तभी हमारी नजरें एक चाय की दुकान पर गई। चाय वाले ने हमारी ये दशा देखकर कहा, ये क्या हो गया आप सबको। इसके बाद हमने उन्हें अब तक हमारे साथ घटा सब कुछ बता दिया। हमारी कहानी सुनकर उन्होंने जो कहा, तो उसे सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा, एक समय पर यहाँ पर एक कारखाना बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, पर एक वक्त के बाद इस कारखाने को मानो नजर सी लग गई। जो कारखाने के मालिक थे वह काफी गलत संगत में पड़ गए थे। इस कारखाने में काफी गैरकानूनी चीजें बनने लग गई थी। ये सब इतने में खत्म नहीं हुआ था, उनके बहुत बहुत बड़े माफियों के साथ भी डील होने लगी थी। उन्होंने बहुत सारे गुंडों से ड्रग्स के डील के लिए पहले ही पैसे ले रखे थे। उन्होंने उन पैसों से बहुत ही मौज मस्ती की। पर एक दिन उनके कारखाने पर पुलिस की रेड पड़ गई, जिसमें ड्रग्स मिलने पे उसका कारखाना तो बंद हुआ ही, बदले में 2 साल की जेल और 20 लाख रुपए मुआवजा भी भरना पड़ा। उनके जेल से निकलने के बाद जिनका पैसा उन्होंने लिया था वो सब माफिया उनको ढूंढने लग गए। ऐसी बातें उनके सामने आई थी कि बड़े बड़े गुंडे उनके जान के पीछे पड़ गए थे और एक दिन उनकी लाश उनके ही कारखाने में लटकी हुई मिली। ये बात आज तक पता नहीं चला कि उनकी हत्या हुई थी या वो खुदकुशी थी। पर इस दिन के बाद ये जंगल और कारखाना श्रापित हो गया। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि उनका पिशाच सब अनजान लोगों को यहाँ पर खींचकर लाता है और काम करने को कहता है और ना करने पर मौत की नींद सुला देता है। ये सब जानने के बाद वाकई जो कुछ भी हमारे साथ घटा वो बहुत ही रूह कपकपा देने वाली घटना थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।